देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल के अपने शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार और घोटालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में इतनी भ्रष्ट और नकारा सरकार पहले कभी नहीं रही। उन्होंने कहा कि भर्ती से लेकर खनन तक में घोटाले ही घोटाले इस राज्य में हुए हैं। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस जनता के राय शुमारी करके उनके सुझावों के अनुरूप घोषणा पत्र तैयार करेगी। इस घोषणा पत्र में हर वर्ग की भलाई की नीतियों को शामिल किया जाएगा। पूर्व सीएम हुड्डा सोनीपत में लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी मौजूद रही और प्रदेश कांग्रेस की नीति और रणनीति कार्यकर्ताओं के साथ साझा की गई। पूर्व सीएम ने कहा कि हरियाणा विकास में नंबर एक प्रदेश हुआ करता था, लेकिन भाजपा की सरकार ने इसे विकास में पीछे धकेल कर अपराध में नंबर एक प्रदेश बना दिया है। बेरोजगारी और बेकारी की रोज समस्या बढ़ती जा रही है। युवाओं की नौकरियों को बेचने का काम इस राज्य में हुआ है, बावजूद इसके सरकार में बैठे लोग ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते नहीं थकते। ये देश का कानून है, कानून में विदेशी के लिए कोई स्थान नहीं, नई बात नहीं कर रहे। 5 साल तक ये सरकार की जिम्मेवारी थी आइडेंटिफाई कर रहे, 5 साल तक सोते रहे, चुनावी चुनाव देख के ऐसी बात करते हैं, ये तो अपनी जिम्मेवारी निभाने की। ये तो देश का कानून है, कोई नई बात नहीं। कब तक जल्दी होगा जल्दी से जल्दी करेंगे, कांग्रेस वाले साथ देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जहां गरीब और आमजन के हित की बात होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गरीब और कमेरे वर्ग के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। भाजपा सरकार अहंकार में डूबी हुई है, सत्ता के नशे में चूर होकर वह जमीनी हकीकत से दूर जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश की जनता उनसे तंग आ चुकी है। इस बार प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है और कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बाहर करके ही दम लेगी। इस चुनाव के बाद मेंबरशिप ड्राइव भी करेंगे और फिर संगठन को दोबारा से नए सिरे से उसको हम ऑफिस बेयरर्स बनाएंगे। जैसे भाजपा ने, तो गोरे स्लोगन देने हैं, पहले भी दिए अब भी दे रहे हैं, इनका तो काम ही है काम करके दिखाएं, फिर स्लोगन की जरूरत नहीं होती। गोरे स्लोगन है खोखले कौन आप देख रहे हो कि आज लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो गलत है, नकारात्मक है, उससे लड़ाई है। इनेलो के लोग खुद हमारी विचारधारा में और सोनिया जी के नेतृत्व में हमारे साथ आ रहे हैं। उनके जो अध्यक्ष थे वो हमारे साथ आ गए हैं, अरोड़ा साहब और भी कितने उनके साथ ही हैं, प्रदीप साहब हैं, कितने लोग हैं जो आ गए हैं हमारी पार्टी में। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में और सोनिया जी के नेतृत्व में इनका विश्वास है, उनसे लड़ाई लड़नी है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। हम सब चीज़ों का आदर करते हैं, लेकिन ये हमारी पार्टी की बात होती है, हमारी पार्टी सारी चीज़ें देखकर सोच समझ कर अपने चयन करती है। आप अध्यक्ष तो देखो, चुनौती तो हर चुनाव नई चुनौती लेकर आता है, तो ये चुनाव है, तो चुनाव एक परीक्षा होता है सबके लिए, सत्ता पक्ष के लिए भी, विरोधी पक्ष के लिए भी, तो सबके लिए चुनौती है, सबके लिए एक नया वातावरण है, तो सब काम कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि सभी कांग्रेस जिन्होंने ये चुनौती स्वीकारी है और आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह है। कंचन टीवी के लिए सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।